हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ बोया BY-M1 माइक की। इसकी प्राइस की बात करें तो ये मार्केट में और ऑनलाइन आपको डिफरेंट प्राइसेस में अवेलेबल है, 14, 15 एंड 1600 तक। मुझे ये 16 में मिला है। इस माइक्रोफोन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप स्मार्टफोन के अलावा DSLR और PC में भी यूज़ कर सकते हो। ये माइक बिगनर्स के लिए काफ़ी अच्छा है और इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसके बॉक्स को ओपन करने पर आपको एक लेदर का पाउच मिलेगा, इसके अलावा एक छोटी सी बुक मिलेगी और बाकी की ये चीज़ें देख लेते हैं। पाउच में से ये माइक्रोफोन निकला है बोया का और आप इसकी वायर देख सकते हो लेंथ कितनी ज़्यादा है। मैंने सारी नहीं खोली क्योंकि मुझे इतनी ही चाहिए थी। ये जो छोटी सी बुक मिली है माइक्रोफोन के साथ, इसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इसके अलावा फ़ीचर्स हैं और माइक्रोफोन को यूज़ करना बताया है कि अगर आप कैमरे के साथ यूज़ करना चाहते हो तो किस तरह से यूज़ करोगे, इसके अलावा अगर अदर डिवाइसेस के साथ यूज़ करना चाहते हो तो कैसे यूज़ करोगे। इसके अलावा कुछ टिप्स भी बताई हुई हैं विद पिक्चर्स, हर चीज़ जो है वो डिटेल में बताई हुई है उन्होंने। अब माइक्रोफोन के साथ जो बाकी की चीज़ें मिली हैं वो चेक कर लेते हैं। ये इस माइक्रोफोन का पावर पैक है, बहुत ही आराम से जो है वो खुल जाता है। पावर पैक में सेल भी डलता है, आप सेल डालकर भी वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो और विदाउट सेल भी कर सकते हो, यहाँ पे सेल डलेगा। इसके अलावा इसके साथ एक बटन है जहाँ पे आपको जो है वो दो ऑप्शंस मिलेंगी, एक कैमरे की और एक मोबाइल फ़ोन की। जब आपने कैमरे पर रिकॉर्डिंग करनी है तो आपने टर्न ऑन कर देना है कैमरे पर, और जब आपने मोबाइल फ़ोन पर करना है तो मोबाइल पर आपने बटन कर देना है। तो ये एक सिंपल सी चीज़ है जिससे आपने वॉइस रिकॉर्ड करनी है। माइक्रोफोन के अलावा हमें एक फॉर्म मिलता है, एक क्लिप और एक एम्पलीफायर पिन और एक सेल। सेल जो है वो मुझसे मिस हो गया है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पाई। ये इस फॉर्म से ये फ़ायदा होता है कि जब आप रिकॉर्ड करोगे तो जो इर्द गिर्द की नॉइस होगी उसको ये कम कर देगा। इसको आपने माइक्रोफोन पर लगाना है जैसे बाकी माइक्रोफोन्स पर लगा हुआ होता है। ये एम्पलीफायर पिन है, आपने माइक्रोफोन की पिन एम्पलीफायर में लगानी है और फिर उसके बाद इसको आप एम्पलीफायर के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ये मैंने इसके ऊपर फॉर्म और क्लिप जो है वो लगा दिया है, जैसा कि सेम इस पिक्चर में लगा हुआ है वैसे ही मैंने सेम लगाया हुआ है। इसके अलावा जब आपने वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने एक माइक्रोफोन को अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है और वॉइस रिकॉर्ड करनी है। आपने जब वॉइस रिकॉर्ड करनी है तो माइक्रोफोन को हाथ में पकड़ के मुंह के बिल्कुल पास करके नहीं वॉइस रिकॉर्ड करनी, इससे वॉइस क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। आज की वीडियो में मैंने यही वाला माइक्रोफोन यूज़ किया है। ऐसी ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, टिल देन कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।